जवानी में जिसकी बेटी को ससुराल वालों ने मार डाला हो, जिसका जवान बेटा दो वक्त की रोटी के लिए 10 साल पहले घर से निकला हो और लौट के ना आए, जो 80 साल की उम्र में भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेहनत की रोटी खाता हो, उसकी सरकार तो क्या भगवान भी नहीं सुनता। ये उस मेहनतकश इंसान की कहानी है जिसके वोट की जरूरत हुक्मरानों को तो पड़ती है, लेकिन इनकी नजर उन पर नहीं पड़ती। आइए आपको ले चलते हैं जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत अम्पाठियार में, जहां बुजुर्ग दंपति मिलाप चंद व बिमला देवी ये आस लगाए बैठे हैं कि कभी तो नई सुबह होगी, जब उनको नया घर व वृद्धा पेंशन मिलेगी। पेशे से बांस की टोकरियां बनाने वाला ये दंपति ज्वालामुखी मंदिर के दुकानदारों को टोकरियां बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा है, लेकिन मंदिर में बांस की टोकरियों की जगह प्लास्टिक की टोकरियां ने ले ली है, जिससे इनके घर में एक टाइम का ही खाना बन पाता है। इनके पास एक कच्चा मकान है, वो भी गिरने वाला है। बारिश व तूफान में मकान गिरने के डर से रातें बाहर गुजारनी पड़ती हैं। यहां रहते हुए कई बरस बीत गए, ना किसी पंचायत प्रधान ने मेरा दर्द सुना और ना ही किसी अधिकारी ने आज भी बिना पक्के घर और बिना पेंशन को रहने को मजबूर है। यह दर्द पंचायत अम्पाठियार के वार्ड नंबर 7 में रह रहे बुजुर्ग दंपति मिलाप चंद पत्नी बिमला देवी के सीने से बयां हुआ है। भारत सरकार ने जहां बुजुर्गों के लिए पक्के घर पेंशन की योजनाएं शुरू कर रखी हैं, वहीं यह बुजुर्ग दंपति मौजूदा वक्त में भी उन सभी योजनाओं से महरूम हैं। योजना बोर्ड उपाध्यक्ष रमेश भाला के गृह विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली यह बुजुर्ग दंपति आज भी सरकार व पंचायत से आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें पक्का घर व पेंशन जरूर मिलेगी, लेकिन लगता है कि इसी आस में कभी इस दुनिया से चले जाएंगे, यह दर्द भी जुबान पर है। मिलाप चंद और उनकी पत्नी बिमला देवी ने अपने दर्द को बताते हुए बताया कि वह बांस की टोकरी बनाकर अपना भरण पोषण करते हैं, उनके घर में सिर्फ वही दो रहते हैं। स्थानीय युवक सुनील ने उनकी मदद की है, कई बार उनकी समस्या को उनके अफसरों व स्थानीय पंचों के ध्यान में लाया गया, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं हुई है। बुढ़ापे में चलने को भी वह असमर्थ है। हम सरकार व प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द उन्हें पक्का घर व पेंशन योजना का लाभ मिले। स्थानीय पंचायत ने भी आज तक कोई भी सहारा उन्हें नहीं दिया है। आपका नाम? बिमला, बिमला देवी। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। क्या क्या समस्या? छप्पर पे पहना पे आना, फिर सामान को तो रखना, फिर ना टहना लगे छप्पर हाड़ा ना, फिर रहना को तो हम बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ दे। हाँ, तो कमाइए क्या साधन है? हाँ, आने होंगे पैसे कमाइए दे, टोकरियाँ बेच दे, पता नहीं लगता पैसे ना, कोई नहीं खरीदार ना, टोकरियाँ तो हम बेच दे, बेच दे। हाँ, फिर बेच दे ना, हारियाँ कोई नहीं खरीदार, क्या नहीं खरीदार? आने खरीदार ना है, बेचारे ना। आज मेरे मिलाप ने ना मेरा ना कोई को 80 साल उम्र मेरी, कम काल कोई नहीं, बुढ़े हो गई हो, बच्चे हाथ धो है, एक कुड़ी हो रहा हमारी थी हो, मैंने मन टू यार बुधार बार है बार अंदर हम दो कर दिया करें, टोकरी बनाते हैं अट्ठा में मगर लेने बांस है तो टोकरी करनी अट्ठा में भाई बन जो रबी बना रहे हो तो सब था ज्वाला जी मंदिर से प्रसाद दे रखा माँ, प्रसाद दे रखा माँ, बांस की टोकरी बनाते मंदिर बनते प्लास्टिक की टोकरी बंद हो जाए मैंने हाड़ी बांस की टोकरी चला यहाँ प्लास्टिक चली एक डाला कोई भी ये तो बेले बैठे प्रधानमंत्री मोदी राम हाड़ी टोकरी बना चालू करा मकान लगे टाना प्रधान मैंने हाले कोई सुनाई नहीं करता गलाय का फुले था बड़े मोटे ने कख को गलाय कोई आ नहीं वोटा लेंदे पता कोई लगता बैठे बैठ आने तक लगे दिंदे नहीं वोटा लगे है छोटे ने प्रति मोटे मोटे लेते कोई सुनाई नहीं होगी तो आज दिन लिखनी रिपोर्टा कितनी सारे रिपोर्टा कराया संडे इन्हें कोई सुनाई नहीं करती कुछ नहीं कितनी प्रधानमंत्री जब तो आज ही लग जाएगा मंत्री गए गया लाला जी के दिन आ जाए कोई है संसद रत्न गया तेने कोई सुना नहीं करते हाड़ी मांग गया मकान बनना चाहिए मतलब पिटसन लगा चाहिए
लास्ट की टोकरी बाजार बंद हो गया मंदिर से हर बंद बेचना चाहिए इतनी ज्यादा महंगा हुई तो हम तो पत्थर कोई निकला। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।